I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision-making. This is module number 10, and we are going to talk about engaging leadership. In terms of engaging leadership, we are concerned with the organizational perspective. Just make a We have to increase the profits. We have to improve the sales. दीज आर ऑल द कंसर्न जो कि एंगेजिंग लीडरशिप में हमें रिक्वायर्ड होंगे बिकॉज लीडर अलॉन्ग फॉलोअर इज देयर टू अचीव दीज टारगेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एलोंग विदर सेल्स एनदर थिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज यू ऑल नो के कस्टमर इज द फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रस्पेक्टिव है वो एस्टेब्लिश होता है सो so, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी सर्विसेज आपकी प्रोडक्ट वो सही तो नहीं बिक पाएंगी

या जिसकी वजह से एम्प्लॉइज का जो मोराल है वो डाउन हो जाए सो द लीडर इज देयर टू बेसिकली इनकॉर्पोरेट एन एनवायरनमेंट जिसमें के द मिनिमम एक्सीडेंट्स शुड बी टेकिंग प्लेस एंड ऑबवियसली एक्सीडेंट्स आर द सरकमस्टेंसेस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइकवाइज जब हम एंगेजिंग लीडरशिप की बात करते हैं तो देयर शुड बी रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एंगेजमेंट है जो लॉयल्टी है जो कमिटमेंट है इट शुड बी ऑन द हायरुडेक्टिव और इंप्लाइज का जो एबसेंटिज्म है, है वो कम से कम होना चाहिए एज ह्यूमन आउटकम लाइकवाइज जब हम एंगेजिंग लीडरशिप की बात करते हैं तो देर शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस देर शुड बी ऑपरेशनल एक्सीलेंस जिसमें के कम से कम फॉल्ट हो कम से कम आपके रिवर्स ऑर्डर हों कम से कम आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई डिफेक्ट्स वो इनकॉर्पोरेट किए जाए सो देर फॉर रिमेंबर बी देयर टू इंप्रूव अपॉन वट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग एंड देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस डेवेलपमेंट अब इन तमाम चीजों के साथ साथ जहां पर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं सेल्स की बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं साथ ही साथ एंगेजिंग लीडरशिप में हमें रिक्वायरमेंट होगी कि द इंप्लॉयज एंथूजम बी इनकॉर्पोरेट हो लोग वहां पर पैशनेटली काम करना पसंद करें और वहां पर लोगों की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो बिकॉज जब तक वो अपनी इमोशनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रखेंगे तब तक वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ वैसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे जैसा कि कोरिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए लाइक वाइज वेन वी टॉक अबाउट एंगेजिंग एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव में आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आपको उनमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको अपने एम्प्लॉज में वर्क रिलेटेड स्टेट ऑफ माइंड ये इनकॉर्पोरेट करना है और साथ ही साथ कोशिश करनी है कि देर शुड बी डेडिकेशन देर शुड बी बीशन अमंग द अबाउट द कल्चर अबाउट द वैल्यूज अबाउट द मिशन एंड विजन प्रिवेलेंट इन एन प्रिवेल्टन फैसिलिटी इसी के साथ साथ एंगेजिंग एम्प्लॉय के तौर पर आपके लिए ये जरूरी है कि देर शुड बी एन एमगम ऑफ कमिटमेंट लॉयल्टी प्रोडक्टिविटी एंड ओनरशिप पीपल शुड बी है फीलिंग आर द ट्रू ओनर्स दर्गेनाइजेशन और जब वो चीज उनको अपनी दिखेगी तभी वो वहां पर डेडिकेटेडलींथुजम के साथ काम करना पसंद करेंगे सो अंगेजिंग लीडरशिप में अंगेजिंग इम्प्लॉइज इज ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस इसी तरह जो प्रोएक्टिव और अंगेजिंग बिहेवियर है इंप्लॉईज का हमें उसको भी इंकारट करना है और उस बिहेवियर को इंकॉर्पोरेट करने के लिए वी हैव टू सी कि वट आर द डेवलपिंग कॉन्टेप्री सर्कमस्टांसिंग और उन न्यू के साथ हम अपने इंप्लॉयज को एसोसिएट कैसे कर सकते हैं उन न्यू सर्कमस्टांसिस के हवाले से हमारे पास माजी में से कौन से एविडेंस मौजूद हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं आने वाले मुस्तबिल एसोसिएशन के लिए सो दैट द पीपल आर रेडी टू न्यू एडॉप्टर इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम प्रोएक्टिव एंड एंगेजिंग बिहेवियर की बात करते हैं कि वी आर देयर टू ऑफर कोलेबोरेशन

वो इन्वॉल्व हो सकेंगे लाइक वाइज हमें एट द सेम टाइम उनमें जो एंथ्यूजिज्म है उनमें जो डेडिकेशन है उनमें जो लॉयल्टी है अपने काम के साथ अपने मकसद के साथ उसको भी ब्रुएकार वो लाना है अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को एंगेज करे इन्वॉल्व करें उनकी कमिटमेंट को इंक्रीज करे उनकी लॉयल्टी को प्रमोट करे सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम हैं और जो एम्प्लॉज के रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं वो दोनों अचीव हो सके थैंक यू